आज की इस वीडियो हम बात करेंगे कैसे आप रिएक्ट जेएस में फॉर्म वैलिडेशन कर सकते हो। ये वीडियो होने वाली बहुत ही ऑसम, क्योंकि ये वाली वीडियो यूट्यूब में आप देखो या वेबसाइट में कहीं पे भी आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। कस्टम अगर बात करें फॉर्म वैलिडेशन बिना किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी के यूज किए हुए, बिना किसी MUI के यूज किए, आपको ये वाली वीडियो नहीं मिलेगी। बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाली, वीडियो को पूरा देख लेना। और सब दोस्तों ये बात बता दूं, यहाँ पे मैंने सिर्फ यूज का इस्तेमाल किया, यानी हुक्स का इस्तेमाल किया है। और सबसे पहले आपको डेमो दिखा देता हूँ मैं, सिंपल जो डेमो है। सबमिट पर क्लिक करते हैं, कोई भी बंदा सबमिट कर देता तो सैंपल, क्योंकि हमने कुछ भी ईमेल और पासवर्ड नहीं डाला। अब यहाँ पे होता है असली मैजिक शुरू। मैं अपना यहाँ पे डालता हूँ ईमेल। अब देखो दोस्तों, ये करता ही ये ऑटोमेटिक हटाया, मैंने बटन जोड़ दी क्योंकि यहाँ पे ये भर चुका है। और एज ए ईमेल इसने ये इसको ले लिया कि ईमेल टाइप का ही किसी ने इसमें इनपुट भरा है। अब दोस्तों पासवर्ड है, पासवर्ड है, जैसे पासवर्ड एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन की कितने भी हो सकते हैं। तो मैंने सिंपल एक बटन दबाता हूँ, ये नीचे से हट चुका है। अब देखना था तो यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने दोस्तों यहाँ पे अगर ऑन ऑफ है कि पासवर्ड देखना है नहीं देखना, इसके लिए मैंने अलग से मैंने वीडियो बना के डाल रखी, आप देख सकते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज शुरू होती है, वो चीज ये है, हटा दिया तो यहाँ पे दोबारा आ गया। अब यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ और दोबारा यह वापिस आ चुका है। तो बहुत ही ज्यादा ये ऑसम है, यानी कि बटन की जवान की जरूरत नहीं पड़ रही हमें। और यहाँ पे एरर शो कर रहा है जैसे यूजर इन पे इनपुट कर रहा है। तो इस वीडियो में A to Z यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कैसे ये काम करे। और सबसे पहले बता दो, अगर आपको यहाँ पे सोर्स को चाहिए तो यहाँ पे वो फेस कर सकते हो। यहाँ मैंने अपनी वेबसाइट में डाल दूंगा कोड माइक्रो, डिस्क्रिप्शन लिंक है यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन का। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया है सब कुछ इस चीज में। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने सिर्फ ये जो तो चीज है, सिर्फ यूज टैग का इस्तेमाल किया मैंने, सिर्फ यूज टैग दोस्तों, सिर्फ यूज टैग का, क्योंकि यूज टैग बहुत ही ऑसम चीज है। अब चलता हूं मैं सीधा आपको यहाँ पे इसकी कोडिंग पार्ट पे। अब देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे सिंपल है, मैंने ये लॉगिन का एक पेज बनाया। यहाँ पे ये जो CSS है, जो स्टाइलिंग करने के लिए मैंने बना रखा है, ये दिखा देता हूँ आपको, ये स्टाइलिंग का। अब यहाँ पे आपको बता दो सबसे क्या करना है। यहाँ पे तो मैंने दो चीजें यहाँ पे मैंने इनपुट की है, एक चीज इनपुट जो है मैंने बना रखी है अपनी ईमेल एंटरिंग करने के, और दूसरी चीज हमारी जो पासवर्ड के, और यहाँ पे दो तीसरी चीज हमारी जो बटन है ताकि उसको सबमिट करने के। अब दोस्तों यहाँ पे जब भी यूजर किसी ईमेल पे एंटर करता है तो वहां पे या तो ईमेल पहले देखना था कि वो सबसे पहले कि अगर ईमेल और पासवर्ड खाली है तो क्या हो, एरर शो कर दे। एरर शो करने के लिए क्या हो, क्योंकि जो यूजर है वो सबमिट बटन पे क्लिक करेगा। और यहाँ पे मैंने इस पे एक मैंने फंक्शन चलाया सो नाम का। अब मैं आपको ये चलता हूं यहाँ पे सो नाम के फंक्शन पे, तो ये है मेरा सो नाम का। अगर ईमेल नहीं है, कुछ भी नहीं डाला हुआ, तो यहाँ पे ईमेल शो कर दे, एंटर योर ईमेल, यानी सेट ईमेल मैंने एक फंक्शन बनाया है उससे करूँ। इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर बात करूंगा। अगर आपने यूज टैग नहीं पढ़ाया तो हुक्स नहीं पढ़ाया तो, और यहाँ पे पासवर्ड नहीं है तो पासवर्ड ये एंटर शो कर। एल्स तो ये एल्स अगर दोनों ही ठीक है, दोनों में कोई भी एरर नहीं है, एल्स पे आपका नेविगेशन आ जाएगा कि आप यूजर इनपुट करता है तो वहां पे लॉगिन करता है तो उसको कौन से पेज में ले जाना है, उसको कहाँ ले जाना है, वो यहाँ पे आपके एल्स पार्ट में आ जाए, जो मैंने अभी नहीं लगाया है। मैं इन फ्यूचर जाके इसको लगाऊंगा, जैसे फायरबेस का भी यूज करूंगा मैं, और वो भी आके मैं डाल दूंगा। तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर, जैसे ही मैं डालू आपके पास नोटिफिकेशन उसकी आ जाए। अब दोस्तों ये तो होगी हमारी ये वाली पार्ट, मैं सीधा आपको दिखा भी देता हूँ कैसे। अगर उस बटन का काम क्या है, सबमिट दबाया तो ये आया, एंटर योर ईमेल और एंटर योर पासवर्ड, ये चीज का। लेकिन अब जो ये चीज हमारा इनपुट किया, मैंने कुछ डाला तो यहाँ पे आ गया इनवैलिड ईमेल। और यहाँ पे मैं अगर सही ईमेल डालता हूं तो ये हट जाता है, ऑटोमेटिकली हट जाता है। ये चीज क्या करेगी, ऑन चेंज होगा, कुछ भी चेंज होता तो होगा। तो यहाँ पे मेरे जो ईमेल में है, मैंने ऑन चेंज में एक अपना ही फंक्शन बनाया जो उसको कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पे चेंज मैंने चेंज डाटा नाम के फंक्शन बना रखा है। तो यहाँ पे ले जाओ, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, पहले तो मैंने यहाँ पे जो चेंज डाटा है इसमें मैंने जो यूज स्टेट मैंने कॉल किया ईमेल और पासवर्ड का, वहां पे पहले सेव करूंगा सेट ईमेल में, ताकि कुछ भी यूजर उसमें डालता है, कुछ भी एंटर करता है, वो सबसे पहले यहाँ पे सेट ईमेल के जरिए ईमेल के अंदर वो जो ये वेरिएबल इस पे सेव हो जाए सेट ईमेल के फंक्शन के जरिए। और यहाँ पे जो डिफॉल्ट है वो यहाँ पे एम्प्टी वैल्यू मैंने लगा रखी इफ। अब दोस्तों इस अब यहाँ पे चीज होगी जो चेंज वो होगी, सबसे पहले यहाँ पे टेस्ट होगा जब यूजर कुछ भी इनपुट, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे नाम कुछ ये देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे सीधा लिखा है तो यहाँ पे क्या AMIT लिख दिया, तो यहाँ पे
ईमेल है अमित से, खाली अमित क्या ईमेल है, नहीं है, तो यहाँ पे इनवैलिड शो कर दिया। वो चीज कैसे हुआ, वो चीज आप देखते हैं यहाँ से हुआ, क्योंकि वो चेक कर रहा है जैसे बंदा यूजर इसमें कुछ भी इनपुट डाल रहा है, वो यहाँ पे रिग्रेशन, ये अपना कस्टम रिग्रेशन आप बना सकते हैं। मैं इसकी वीडियो जल्द बना के डाल दूं कैसे बना सकते हो आप, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन सब कुछ मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे ये चीज मैंने ले ली, अब यहाँ पे टेस्ट होगा, जब भी आ रही है दोस्तों डॉट टेस्ट और ईमेल, ईमेल कहाँ से है हमारा, ईमेल आया जो यूजर ने इनपुट किया, इनपुट से जो हमारे ईमेल पे इनपुट किया वो चीज हमारी सेट ईमेल के फंक्शन के जरिए यहाँ पे सेट ईमेल में हमने डाल रखा है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के, जो वैल्यू में चेंजेस हो गई ईमेल पे, और वहां पे जो ईमेल पे हमारी वो सेव होगी, यानी इसके अंदर हमारी जो यूजर इनपुट करेगा वो चीज यहाँ पे आती रहेगी, कुछ ही दबाता है, ए दबाता है, बी दबाता है, कुछ भी ए टू जेड रियल टाइम में वो चेंजेस होती रहेगी। तो यहाँ पे टेस्ट होती रहेगी हरदम, इफ जो आ रही हमारी क्या है, ये रिग्रेशन है हमारी, ये आली पूरी की पूरी, ये चीज डॉट टेस्ट होगा हमारी ईमेल के साथ टेस्ट करेगी, जो इसका जो ईमेल @ लगा के नहीं है, कुछ वो डॉट कॉम लगा के नहीं है, डॉट लगा के नहीं है, वो सब कुछ ही चेक करेगा, उस टाइप की चेक करके उस टाइप की हमारी ईमेल है कि नहीं, अगर है तो हमारी जो क्या होगा सेट ईमेल डॉट एरर। अब दोस्तों सेट ईमेल डॉट एरर हमारी क्या है, अब देख सकते हो यहाँ पे हमारी ईमेल ये एरर शो कर रहा है, ये वाली यार कहाँ शो कर रहा है आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे नीचे लगा रखा है इसके नीचे ये चीज, तो ये चीज यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें, इसको भी मैंने एक हुक मैंने डाला हुआ है, ये हमारा वेरिएबल है ईमेल एरर का वेरिएबल, इसको इसके अंदर जाने के लिए हमें क्या सेट ईमेल एरर की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे जो सेट ईमेल एरर है वो एम्प्टी दे दिए ताकि वो ईमेल हट जाए उसी टाइम पे, और जब यहाँ पे सेट ईमेल इसको एम्प्टी देंगे तो कहाँ पे चेंजेस होगी, वो ईमेल एरर की इस वेरिएबल पे चेंजेस होगी। अब एल्स अगर नहीं होता तो अगर टेस्ट होता है, टेस्ट होने के बाद अगर सही होता है तो यहाँ पे एम्प्टी दे दे, नहीं तो यहाँ पे क्या दिखा दे ईमेल इनवैलिड दिखा दे, जैसे कि यहाँ पे ये शो किया, जैसे कि ये शो किया, मैं कुछ भी डालता हूँ यहाँ इनवैलिड दिखाई रहा है, अगर मैं ये चीज अब यहाँ पे आगे, अब इसके बाद है पासवर्ड पे, ये तो हो गया हमारे खाली ईमेल का, पासवर्ड की बात करते हैं यहाँ पे वैल्यू अभी मैंने सिंपली यहाँ पे डाल दिया, आप इसको यहाँ पे भी डाल सकते हो, आप पे डिपेंड है, यहाँ पे मैंने सिंपली यहाँ पे पासवर्ड डाटा यहाँ पे डाल दिया, सिंपल पासवर्ड डाटा जो हमारा फंक्शन है उसको ही हमने कॉल कर दिया ई डॉट डॉट वैल्यू, तो यहाँ पे दोनों भी चेंजेस आप इसी में भी कर सकते हो और फंक्शन भी बना सकते हो, मैंने इसमें भी डाल दिया है वैसे तो पासवर्ड डाटा करके वैल्यू करके यहाँ पे इसको कॉल कर दिया। अब सबसे मेन चीज क्या आती है, वो चीज है ये इफ जो वैल्यू डॉट है, वैल्यू मतलब हमारी क्या है, जो कि यूजर इनपुट करेगा जो हमारी पासवर्ड और डाटा वाली है, यानी कि हमारी जो ये PSWD वाली जो इसके अंदर जो वैल्यू होगी, वैल्यू डॉट टीम होगा जो हमारा, अगर क्योंकि पासवर्ड में बंदा स्पेस भी दबा सकता है तो स्पेस पासवर्ड में नहीं चलता है, आप चला भी सकते डिपेंड आप पे, तो डॉट टीम। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं फिर दिखा देता हूँ, ये कर दिया मैंने और यहाँ पे ये दबा दो, मैं स्पेस दबा रहा हूँ फिर भी क्या एंटर पासवर्ड आ रहा, अब मैं कुछ भी एक ये सिंपल दिखा देता हूँ आपको, ये मैं भी सिर्फ यहाँ पे इस पे दबा रहा हूँ, मैं ए दबाता हूँ तो ये हट गया, यानी कि इसने वर्ड ले लिया है एक, अब ये हट गया क्योंकि पासवर्ड ये ट्रिम कर देता है, ट्रिम डॉट लेंथ, लेंथ मतलब क्या कि पूरा का पूरा ट्रिम कर देगा पासवर्ड को, हटा स्पेस को हटा देगा, उसके बाद उसकी जो लेंथ होगी जो हमारी इनपुट की है अगर वो 0 को इक्वल है तो सेट कर दे, तो एरर में सेट कर देगा कि जो एंटर पासवर्ड, जैसे यहाँ पे सेट कर देगा, अब जैसे ये एंटर पासवर्ड ये सेट कर ये डालते ये हट जाएगा, यहाँ पे सेट पासवर्ड हो गया, एल्स सेट जो पासवर्ड है वो एम्प्टी, यानी अगर नहीं होता, अगर ये 0 से ऊपर है, क्योंकि इक्वल टू 0 होगा अगर जो लेंथ होगी उसकी, कुछ भी एंटर नहीं किया होगा, स्पेस को छोड़ के स्पेस और ट्रिम होगा, स्पेस की कोई वैल्यू नहीं है उस पर, तो ये शो कर देगा एंटर पासवर्ड, अगर कुछ भी दबाते हैं तो यहाँ पे जो सेट पासवर्ड है उसको एम्प्टी कर दे, जैसे यहाँ पे एम्प्टी किया, अब सिंपल ये आ गया और बटन क्लिक पे हमने इसको ये शो कर दिया। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप हमें, और यहाँ पे वेबसाइट में जाके आप इसका सोर्स कोड ले सकते हो, यहाँ पे जा सकते हो कॉपी पेस्ट कर, तो यहाँ पे डिपेंड है, दो फाइलें, एक तो CSS वाली फाइल है और हमारी एक दूसरी ये वाली फाइल है, और यहाँ पे नीचे मैंने एक्सप्लेन भी किया है यहाँ पे ये कैसे ये बिहाइंड द सीन ये वर्क करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, को लाइक कर देना, क्योंकि लाइक कर दो मैं ऐसे और भी वीडियो बनाता रहूंगा जो कि आपके कोड को छोटा कर दे। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जो ये चीज आप देख सकते हैं मैंने दो बना रखे हैं यूज केस, इसको हम एक में भी यूज कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे जाके चेंज होगी, मैंने पिछली वीडियो में बताया होगा, यहाँ पे जाके भी चेंजेस कर सकते हैं, तो एक
छोटा कोड हो गया, लेकिन ये कि इस पे ज्यादा ही आप अच्छी तरह समझ में आ जाएगा थोड़ा अगर हम इसको थोड़ा टुकड़ों में पढ़े तो। थैंक यू सो मच वॉचिंग, से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और ऑसम वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच, आज हमारे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पर। थैंक यू सो मच।